पिछले दिनों लंदन में आईपीपीए अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। ईपीके की टीम भी इस तकरीब में मौजूद थी। इस ग्रैंड अवार्ड शो के होस्ट एहसन खान ने मैडम सुल्ताना सदीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इनवाइट किया। हाई कमिश्नर स्टेज पर कितने हाई थे ये आप वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। एहसन खान, जावेद शेख और मेविश हयात को कैसे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा ये भी आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। एम्बेसडर एहसन, मेरा दोस्त, उसको बुला सकूं क्या मैं? एम्बेसडर मारवा और वा को बुला सकूं? मुझे इजाजत दे। खवाज यूजर, बहुत सारी तालियां। सफीर पाकिस्तान महविश को बुला लूं? जोर से तालियां बजाए। महविश आइए। मिकाइल को बुला लूं? आ जाए। मुझे 10 सफीर पाकिस्तान चाहिए। 10। शेख साहब कैसे हैं? शेख साहब कैसे तो हैं, ऐसे कैसे हैं? ऐसे वैसे जैसे तैसे। एटकिंस का भी डाइट किया, कीटोंस का भी डाइट किया। ये वाला डाइट हमने पूछा है शेख साहब से, ये कौन सा डाइट हो शेख साहब ने किया जी? ये कौन सा डाइट है आपने? जीरो कार्ब, हाई प्रोटीन किया, प्रोटीन किया, क्या किया शेख साहब? गरम है ऊपर वाले का बात अब तक बनी हुई है। ये कवाकी हजरात, 1, 2, 3, 4, 5 बाकी शायद आज के महफिल में नहीं आ सके, लेकिन सबका मैंने नाम लिया है सुल्ताना आपा के लिए। एक सफीर काफी नहीं, हम 10 सफीर जो मौजूद हैं या नहीं मौजूद, सुल्ताना आपा के लिए 10 सफीर जरूरी हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ गुज़िश्ता ईद की, आज की शाम की, वजीर आजम इमरान खान की, और दिल से बोलूंगा खुदा की कसम, एक मिनट खामोश, दिल से बोलूंगा खुदा के कसम एक नए पाकिस्तान की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, एक नए पाकिस्तान की, नए पाकिस्तान की, बहुत सारी तालियों में एक नए पाकिस्तान की। Ladies and gentlemen, Lifetime Award presented in London to none other than mine and your Sultana Apa. Naya Pakistan? Ye hoga Naya Pakistan? We hope not.